अस्सलाम वालेकुम और फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता साता और मुस्कराता रखे अपनी फैमिली के साथ। तो सभी को दसवीं शहरी मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको खुश, आबाद, हंसता साता और मुस्कराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग मुझे कहते हैं। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग मुझे कहते हैं कि अभी मेरे लिए दुआ करना, तो अल्लाह पाक मुझे प्यारी सी औलाद दे जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर देगा। अल्लाह पाक हम सब दुआ करेंगे आपके लिए, जो लोग बे औलाद है ना, अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद दे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, तो अल्लाह पाक सबको दे। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्चियों के रिश्तों से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब बच्चे करे, सब बच्चों के नसीब बच्चे करे। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत फरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे हो गया है सैरी का टाइम और यहाँ पे हो रही है बारिश भी हो रही है माशाल्लाह। कल भी इसी टाइम बारिश हो रही थी, सैरी का टाइम हो गया था माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह ये देखिए जी, मैंने आज बनाए हैं आलू चिकन शोरबा, तो साथ में बनाने हैं तड़के वाले चावल बनाए हैं माशाल्लाह। और साथ यहाँ पे ना मैं अपना सैरी हम करने वाले हैं, और मैंने जो आज चावल बनाए हैं, मैंने कहा चले, कामना ने बोला था कि आज ना चावल बनाने हैं, तो मैंने कहा चले चावल मैंने बनाए थे आलू चिकन शोरबा, साथ में बनाए थे चावल। यहाँ पे मेरा खाना हो गया रेडी, तो चलते हैं रूम में, बच्चे सारे वेट कर रहे हैं। तो जी भाई, यहाँ पे हो गया सैरी का टाइम। यहाँ पे जी इन्होंने रखनी है सैरी, और यहाँ पे जिस बहन जान उठो बेटा सैरी कर लो, रूम में सारे कपड़े बिछाए हुए हैं ऐसे इधर उधर, क्योंकि भाई बारिश हो रही है इसलिए। तो जी हम करते हैं सैरी, भाई बारिश हो रही है ना। अच्छा चलो आ जाओ। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे जी बहुत मज़ा आ रहा है, हम खाना खा रहे हैं सब बैठ के, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत मज़े की बने हैं। तो आपने तो रेसिपी देख लेनी है, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम सब सैरी रख रहे हैं, मुन्ना भाई भी है, आसमा भी आई है, और सुभान भी। अच्छा हो गए जल्दी, लेट हो गए, कहना क्या जल्दी जल्दी उधर जाके ना सैरी का इंतजाम उधर कर लिया। तो यहाँ पे जी हम कर रहे हैं सैरी, और बहुत मज़ेदार बने हैं आलू चिकन शोरबा, बहुत मज़े के बने हैं, टेस्टी भी हैं। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, उन्होंने खाना खा लिया था और ये कह रहे हैं कि मम्मा हमने चाय पीनी है, साथ में खानी है, फिरनी है। तो फिर मैंने कहा चले जल्दी के लिए चाय बना लेते हैं साथ में। पता क्या आया, रोज़ा रख के ना क्या कहते हैं, फिर सैरी टाइम चाय ज़रूरी है, मैं तो लाजमी ही पीती हूँ। तो बाकी ये खाना वगैरह खा लिया हमने सब ने, तो अब चाय पीते हैं, और मैं सबके लिए चाय बनाने वाली हूँ। आप बता दें अगर आपने पीनी है तो फिर आपके लिए भी साथ ही बना देती हूँ, ठीक है। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मज़े की चाय बनने वाली है यहाँ पर। बच्चों की फरमाइश है कि मामा हमने खानी है, फ्योनी है, तो चाय ज़्यादा बनानी है, इसलिए फिर मैंने चाय के अंदर ना दूध और डाल दिया, जल्दी से चाय मैंने कहा ज़्यादा बन जाती है। तो अजान और सुबहान अभी रख रहे हैं सैरी, क्योंकि अभी है टाइम यहाँ पे, इसको फिर काके को फिर लग गई भूख, अभी बंद नहीं हुआ था, अभी है बड़ा टाइम। तो यहाँ पे ना मैं बनाने वाली हूँ चाय, यहाँ पे ना सुबह अजान जो है ना अपना सैरी कर रहा है, यहाँ पे रिहान चाय का वेट कर रहा है। रूम देख सकते हैं कितना गंदा बुरा हाल हो रहा है, कामना का भी मुँह खुल गया, नींद आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बस अभी जो है ना सैरी में बड़ा टाइम है, अभी सैरी में कम से कम 2 घंटे हैं, बड़ा टाइम है। पिछले महीने का चले आराम समोसे, उन्होंने खाना वगैरह खाया था, जागे जाग रहे थे, तो फिर अभी बड़ा टाइम है, चाय आराम समोसे बनाते हैं, सोनियाँ वगैरह खाते हैं सारे मिल के। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने चाय डाल दी है कप में, 2 मैंने इसमें डाल दी है, बाकी मैंने चरक में डाल दी है। अगर चलो जो जिसने जितनी जितनी पीनी होगी ना, तो उतनी पी लेंगे, तो रूम में चलते हैं। तो जी फ्रेंड, इन्होंने खानी है, फ्योनी है, इनके लिए चाय डाल देते हैं, जितनी जितनी इन्होंने खानी है ना, मैंने कहा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से डाल लें। ये चाय है जी इनकी, और किस किस को पसंद है फ्योनी है, जैसे बात तेरी है चम्मच है, है। चलो फिर ले लो यहाँ पे गोलू, यहाँ पे कामना साहब, यहाँ पे रिहान, यहाँ पे मम्मा। अच्छा डाली है लास्ट स्पून दो है। तो जी फ्रेंड, ये देखें कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी है, ये गई चाय के अंदर, चाय के अंदर ही है बाहर, कोई गा नहीं, मैं ही सफाई करनी है। ये गई कप के अंदर, और ये देखें कितनी अच्छी है और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी है, और ये अपने खाती हूँ, सभी खा रहे हैं, अपनी अपनी सारी खा रहे हैं,
देखिए कामरा रोड आने वाले है। एक सेमिया होती है, एक होती है फियोनिया। ये बड़ी अच्छी होती हैं, मजे की होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी। ईद वाले दिन भी कोई लोग बनाते हैं, कोई बनी बनाई खाते हैं। बनाते नहीं हो है, कितने बनती है? नहीं नहीं, दूसरी जो होती है, दूसरी सवैया होती है। नहीं होती है फियोनिया। हाँ फियोनिया, सवैया से फियोनिया, रोजिया रोजे से फियोनिया। तो जी फैन रख लिया सहरी। और एक अजान कहाँ रखा रोजा आपने बेटा? आपने कहा रखा नहीं जान? असी अपने दिल च। और आपने? मैंने भी दिल। मैंने जो पापा ने बोला मैंने वो बोला था, मैंने बोल दिया। तो कुछ और बोला अपना? मैंने गुरुदेव मैंने रोजा अपना फ्रिज में रखा ही हूँ, ठंडा रहेगा। भाई बारिश भी हो रही है। सबने अपना अपना रोजा रख दिया जी। मैंने अपना रोजा ना दिल में नहीं, मतलब अल्लाह ताला को दिया हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे ना अभी सारी का टाइम काफी ज्यादा है, मुझे पता है लास्ट टाइम इन्होंने पानी पीना ही पीना सब ने। तो बाकी माशाल्लाह बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है। तो अब ना हम जो है ना अपना इंतजार करते हैं अजान का, फिर हम नमाज पढ़ते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। तो जी फ्रेंड यहाँ पे बच्चे अभी उठ रहे हैं, अभी जो है ना अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान भूख तो लगी। अच्छा आज बारिश हो रही है तो सुस्ती बहुत ज्यादा पड़ रही है। और मैं अभी आई हूँ डॉक्टर से चेकअप करवा के। ब्लड प्रेशर लो है? आज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो है। हाँ पता नहीं, मेरा सही टाइम का ही हो रहा है, रोजा रखा ना मैंने सही टाइम से। मेरे ना सर में बड़ी दर्द है और यहाँ पे भी ये स्वेलिंग हो गई थी, सर में आंख भी सूजी हुई है। तो उन्होंने बोला कि जो आपका बीपी है ना 60-90 है, लो है, तो जाके ना कोई चीज खाए नमकीन। मैं कभी रोजा खोलते हैं तो फिर कुछ जो है लो बाद खाने पीने रहा और अफतारी का टाइम बहुत इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। चले जी करते हैं इंतजाम। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी सामान मंगवा लिया है, मायोनीज है, केचप और क्रीम, ब्रेड और जी यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, वेजिटेबल। यहाँ पे बनेगा आज फिर चिकन चीज सैंडविच। बच्चों ने डिमांड कर दी है कि मम्मा आज आपने वही चिकन चीज सैंडविच बनाना, मजे का बना था। तो वो ज़्यादा है, मैं इसकी रेसिपी दी हुई है, वैसे आपने देखना आस पास कुकिंग रेसिपीज में ना इसकी रेसिपी दी है मैंने, बड़े अच्छे और बहुत मजे के बने थे, इसलिए दोबारा बन रहे हैं। तो आज फिर ये बनेंगे तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन रेसिपी मैंने दे दी हुई है, इसी तरह बनाऊंगी जिस तरह बनाए थे। तो यहाँ पे ना कुछ करते हैं, यहाँ पे गरम चूल्हा, यहाँ पे सालन वगैरह भी है, गर्म कर लेते हैं, साथ में चावल भी गर्म कर लेते हैं, मतलब में तो कुछ बना लेते हैं, फ्रूट वगैरह रख लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं जैसे यहाँ पे हमारा मेरे शुरू हो गया है रेडी। अजी बिस्मिल्लाह रोजा खुल गया, चले जी रोजा खोल, ही रोजा खोल बिस्मिल्लाह। मैं भी इसके साथ ही खोलूंगी बिस्मिल्लाह। सबके लिए डालती हूँ मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी का। यहाँ सामान आज आपने भी पीना है, फिर मामा ने कहा से रोजा नहीं लिखवाना। चले पकड़ो पकड़ो, शाबाश। थोड़ा थोड़ा चावल खा लो ना, बाद में मम्मा बना दिया सैंडविच आपके लिए, ठीक है? गोलू वगैरह मैंने खाने हैं सैंडविच, तो सुबह तो खा लेता है वैसे चावल। सालन में आया था, तो मैं कल का सालन बनाया हुआ था ना, तो है था, मैं ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं खजूर। वो सामान लाके दे रहा है, अदर तेरा सामान लाके दे रहा है चावल। हाँ जी रेनू क्या करना है? चावल चावल ना सैंडविच फिर मेरे साथ में होके बनाने हैं मिलके। अच्छा चलो जी, बाद में इनके लिए बड़े मजे की मैंने सैंडविच बनाने हैं, गोलू के फेवरेट सैंडविच होंगे, है ना गोले? बेटा ये बर्तन उठाओ,
जैसे यहाँ ना ऐसे लगा हुआ यहाँ बोलते तो मुझे ना मतलब ब्लॉग बना रही है इसलिए गया आसमान जहाँ बोल के ना यहाँ को तंग कर रहा है इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं इसके काम ले रही ना इसलिए रानी सारे बर्तन काम है बेटा धो के आने हैं हाँ जी अगर हाँ धोएगा जी फ्रेंड यहाँ पे होने वाली है इसकी कटिंग इसको पहले वॉश करते हैं तो फिर इसकी करते हैं हम तैयारी सैंडविच की और फिर हमारे सारे काम बनेंगे सैंडविच तो यहाँ पे कमरा साफ धो रहा बर्तन तो मैंने कहा रहने दें आप तो कहते नहीं मैं धोता हूँ बर्तन आप कर लो तैयारी फिर हम यहाँ पे करते हैं तैयारी करा अभी भी मेरे सामने बड़ी दर्द हो रही है तो साथ में ना ये एक आंख में भी दर्द हो रही है लेकिन यह कि काम तो करने का आ रहा है कि करते हैं थोड़ी बहुत तैयारी सारी के लिए क्योंकि सारी तो बच्चों ने कर ली है और बच्चे कह रहे हैं कि अभी हम सारे टाइम जो है सैंडविच ही खाने हैं अम्मा तो वही बनाने हैं तो मैंने कहा चले फिर इसको भी टाइम लगना है इसकी छोटे छोटे कटिंग करनी है इसका बड़ा टाइम लगता है कटिंग शटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी मैडम मैंने कहा ये वॉश करते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं शिमला मिर्च गाजर तो बड़ी मजे की इसकी बड़ी ये बड़ी अच्छी खुशबू बहुत ही अच्छी है ना शिमला की तो जान तो कह रहा बस मामा जी जल्दी जल्दी बना दो बच्चा नु बड़े पसंद आया मामा अभी अभी फिर डाल दो बना दो मैं अच्छा माइक्रोवेव सैंडविच या गरम करके ना लगा के बच्चा खुद भी खा लेंदे ने ए बेनिफिट्स है के चलो बच्चा नो हां जी एकदम चले पता खुद भी बच्चे माइक्रोवेव ना लगाते हैं तो बना के खा लेते हैं ये सही है यहां पे एक आज दो किस्म की है हां जी आप सी वाली ले गए थे ये भी सही थी ना दोनों पसंद है उनको वैसे तो जड़ी साढ़े हथ देसी गाजर है ना रेड कलर वाली वो ज्यादा अच्छी है ये वाली हां ये तो फ्रेश है ना हां ये वाली तो नहीं होती पता नहीं की है मेरा मन तो सन्न तो ही गाजर अच्छी लग गया बस ये हो गया मस्त पीस सकते हैं ब्रेड भी ताजा मिल्किंग लेके आया है सॉफ्ट है कभी कल ही लेके आया था अभी पड़ी हुई है हां तो कोई गल नहीं मुक जानी है ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੀ ਖਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਲਾਡੋ ਟਿੰਕੂ ਹੈ ਟਿੰਕੂ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਗਏ ਯਾ ਕਿਉਂ ਇਸਕਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बार बार में तो यहाँ पे जी रेहान को ना आज मैंने पता क्या करना है चिकन नहीं डालते थे ना सिर्फ रेहान को ना इसमें बस मैंने ना वही जो थी ना चीज बनानी थोड़ी बहुत वेजिटेबल ना चीज डाल के देनी है रेहान को तो ना ही रेहान को ना वो क्रीम डाल के देनी है नहीं ये फिर नान साफी क्योंकि तू काम बड़ा थोड़े थोड़े करता है ज्यादा काम नहीं करता इसलिए जो बच्चा ज्यादा काम करता है ना उसको सारा चीज मिलेगी जो बच्चा मम्मा का ख्याल रखता है ना उस बच्चे को ज्यादा कुछ मिलेगा तो जो बच्चा मम्मा का ख्याल नहीं रखता उसको ज्यादा कुछ मिलेगा जो रखता है बस ईद भी आ गई अब तो जी फ्रेंड यहाँ पे ना मुझे बड़ा प्यारा सा कमेंट आया हुआ जी शुएब राणा अवैस ने बोला हुआ कि आप ही मेरा नाम लेना मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तो जी शुएब राणा भाई वकास भाई माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपकी चाहत का मोहब्बत का ये देखिए जी आपका नाम ले लिया हमने साथ साथ हम सैरी का इंतजाम भी कर रहे हैं तो साथ साथ मैं आपके कमेंट्स वगैरह बारी थी तो मैंने कहा कि चलिए जी अपने भाई का नाम ले लेते हैं जी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच
मेरा ना मानी खुरम का कमेंट आया कि आप ही आपको कोई ज़रूरत नहीं है पतले होने की, यहाँ मोटी अच्छी लगती है, जिस तरह हमने आपको देखा आप इसी तरह ही अच्छी लगती हैं। तो जी मानी खुरम थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, चाहत का। आप कहते कि हेल्थी खाने खाया करो जी, देख ले अब मैंने आज हेल्थी खाने शुरू कर दिए तो बाकी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपका खुश और आबाद और हंसता साता और मुस्कराता रखे। थैंक यू सो मच निमरा महद। यार पता क्या आया, मैं तो कहती हूँ कि सुभान अभी दूध पी रहा है फीडर में तो इसलिए मैं दे देती हूँ, तो वो जब सोया होता है तो मैं कहती चलो पी ले, जागता होगा तो वो फीडर मिलक शेक वगैरह कोई पीता ही नहीं है। इसी तरह ना मेरा अयान वीक हो गया है क्योंकि उसने मिलक छोड़ ही दिया, बिल्कुल ही टच ही नहीं करता, देखता भी नहीं है, पीता नहीं है। तो मैं कह रही कि चलो जितनी देर सामान गोल मटोल है तो हमारे घर में छोटा बच्चा है कि वही है तो उसके साथ लाड लूड करते हैं कि चले पी ले, इस तरह पीता है। तो अगर इसका ये फीडर बंद कर दिया ना तो उसने दूध छोड़ देना, दूध ही पीना चाहिए फीडर जैसा मर्जी। तो मैं कह रही कि चले अगर पीता है तो पीने दे यार, ये कि चलो छोटा तो है ही हमारे घर में बच्चा है छोटा, वही हमारे घर की रौनक है, तो उसके साथ ही हम लाल लूट करते हैं तो फीडर वगैरह डाल के दे देते हैं। अब वो बड़ा हो गया तो फिर वही है ना, फिर हमने कहना कि बच्चे बड़े हो गए हमारे पास कोई घर में है ही नहीं कोई छोटा बच्चा, तो इसलिए वो पीता कि चलो पी लें जितनी देर माशाल्लाह पीता तो पी ले, बाद में फिर इन्होंने दूध छोड़ देना भी, इन्होंने पीना नहीं करना। जब बच्चे बड़े हो जाए अपनी मर्जी करते हैं फिर वो मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं, रिहान भी ऐसा ही है सादा दूध नहीं पिएगा, रिहान भी मिल्क शेक पीता है सादा दूध बिल्कुल नहीं बच्चे पीते। तो बाकी बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया और थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का चाहत का बहुत शुक्रिया। मुनिया शिराज मैं ना आज चिकन वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाने वाली हूँ और इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है आसफा कुकिंग रेसिपीज में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने थे। सभी फ्रेंड्स वहाँ पे जाके देखिए फुल रेसिपी इंजॉय करें, आपके बच्चे बहुत भी बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने बनाई है तो बच्चों ने बोला कि मम्मा दोबारा बनाओ, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी तो नहीं बनाऊंगी लेकिन आपके साथ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास खीरा है, गाजर है और क्या कहते हैं टमाटर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, पुदीना है। तो इसी तरह की ना मैंने इसको क्यूब्स बना लेने हैं, तो इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी इसके अंदर चीज़ जानी है, मायोनीज जानी है, क्रीम जानी है, कैचअप जानी है और मैदा होना है वो जाना है, तो दूध जाना है, मिल्क दूध जो होता है वो जाना है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े मज़े के बने, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, रेसिपी देखनी है आपको पता चल जाएगा, बड़ी आसान है और मैंने ना वाजिब बताई हुई है, इजीली समझ आ जाएगी आपको। आपने एक दफ़ा बनाने हैं, आपने दोबारा बार बार बनाने हैं माशाल्लाह। आज मैं 1 किलो चिकन है मेरे पास, तो जो ये वेजिटेबल्स वगैरह मैंने लाई हुई हैं इसकी हमने बनानी है, बच्चों के सैलरी का इन्होंने यही खाना है आज। आज गोलू ने बोला कि मम्मा हमने सही टाइम जो यही सैंडविच ही खाने हैं, तो बस इसकी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, साथ में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो वैसे मैंने पहले शुरू कर दिया, फिर यानी टाइम पर ना टाइम थोड़ा रह जाता है, तो इसलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फरजाना सहेल थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपके जन की मुबारकबाद दे रही है जी, आपकी मोहब्बत है, ये प्यार है, चाहत है कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार कर रही हैं। फरजाना सहेल आपकी मोहब्बत का चाहत का लफ्ज़ हो गया आपके लिए बहुत सारा खैर मुबारक। अच्छा मैं जान जोत का कमेंट आया कि कितने रोजे होते हैं महीने के हिसाब से 28 महीना 28 29 का महीना 29 तो वैसे अक्सर ज्यादातर साढ़े मौलवी ना एक रोजा खाई जाते हैं वैसे तो माशाल्लाह 30 रोजे होते हैं, तो मैं हमारी तो यही कोशिश होती है कि हमारे पूरे 30 रोजे ही हों, तो बाकी ये कि बाकी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह तो बूढ़े रोजे भेजते हैं, बाकी ये मौलवी साहब जो एक रोजा खा लेते हैं, तो सॉरी अगर कोई मौलवी देख रहा हो तो माजरत है हरीम थैंक यू जी बहुत शुक्रिया, और यमी फूड सिस्टर फोर सिस्टर थैंक यू जी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, और राबिया आपकी भी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी सिस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं माशाल्लाह, और लोग हमारे पसंद करते हैं, हमारी एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो लव यू हो गया बहुत सारा। और बुशरा ने बोला है मेरी प्यारी सिस्टर ने कामरान भाई कपड़े धोते हुए बड़े अच्छे लगते हैं और जी बड़े समय लगते और तो जी बड़े समय लगते हैं। अब पसना का भी कमेंट आया माशाल्लाह, जोत का भी आया है, और मेरी जो ना उजमा चौधरी का भी कमेंट आया है माशाल्लाह, रेहान के ब्लॉग में सबसे पहले जाके कमेंट करती है, तो माशाल्लाह जी सही है सही है, रेहान खुश हो जाए बस हमें क्या, मैं तो कहती कि रेहान को बस सब जितने मेरे फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करते हैं रेहान का भी करते हैं, रेहान ने अपना नाम सुना है और जल्दी से आ गया पता नहीं कहाँ से आया ये देखे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कमेंट होता है। और मेरी सैम मिर्ज़ा माशाल्लाह, मेरी सिस्टर और मेरी अतिया शहजादी गुल लैबा
माशाल्लाह सारी मेरी जो फैमिली है ना इतना प्यार करते हैं, इतने इतने प्यारे और इतने इतने मीठे कमेंट्स होते हैं मेरे लिए, दुआएं होती हैं, मोहब्बत करती हैं मेरे से, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है ना कसम से, दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़ के माशाल्लाह। तारे का भी कमेंट आया माशाल्लाह, मानो का भी कमेंट आया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा, और मैमी मेरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी सिस्टर, उसका भी कमेंट आया, राबिया का आया, शाजिया का कमेंट आया और उमर का भी आया है और रिजवान का माशाल्लाह। मेरी जो ऑल फैमिली है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हैं, और फैसलाबाद से भी मुझे देखते हैं, और माशाल्लाह सियालकोट से भी एक मंडे आया था, एक मैं क्या 20 साल कोर्स से हैं माशाल्लाह। मेरी जो ऑल फैमिली है मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कोशिश होती है कि सबके नाम लूँ, आउट ऑफ कंट्री माशाल्लाह जो रहती हैं उनके वो भी माशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे, उनके भी कमेंट्स होते हैं मुझे, मेरे लोग सभी लोग पसंद करते हैं। सर डांस भी करना तो मैं एक मुझे नहीं आम था फिर भी याद कर लेना है, वो होती है कहाँ पर आता कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आती है जुम्बा वाला नहीं जुम्बा डांस वो जुम्बा गेम ही है ना, यहाँ गेम खेलता है जुम्बा, बड़ा जुम्बा डांस करना तू तो टीकू जा अंदर चल जा रूम में चले जा, मेरा काका कितनी सर्दी में बैठा हुआ है तो जी फिर यहाँ पे पता नहीं कामरा ने क्या 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 मुझे लग रहा है कामरा ने अभी शिमला कटिंग की है और ये गाजर कटिंग कर रहे हैं साथ में, अभी मैंने गाजर तो बड़ा औखा काम है। हाँ जी मैं तो कहना उसे नाल ना कटर कटर नाल हाथ में लग जाएगा, नहीं नहीं हाथ नाल उसे नाल है कि स्लाइस। वैसे ये देखें फ्रेंड गाजर जो है ना कितनी अच्छी है और कितनी मीठी है और कितनी फ्रेश है, मैं बताती हूँ खा के। वैसे ना मुझे डॉक्टर ने बोला था, मैं गई थी चेकअप के लिए तो उन्होंने बोला था कि जाके ना थोड़ा बहुत खाना खा के रोज़ा खोल के ना मेडिसिन खा के एक कप चाय का पी के आपने सो जाना है, लेकिन मैं सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूँ, आती है मुझे नींद लेकिन ये सोने नहीं देते काम ये चीज़ें नहीं सोने देती ये तो जी फिर यहाँ पे ना इनका हो गया टाइम सैरी का, तो इन्होंने ना मुझे कह रहे हैं मामा जल्दी बनाओ अभी इतनी लेट कर दिया, तो ये यहाँ पे तो टाइम लगता है, मैंने इनको बोला पहले रूम की सफाई कर लो तो फिर जो है ना अपने ना सेटिंग करो फिर मैं आपको बना के देती हूँ सैंडविच। तो यहाँ पे ना अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ, वैसे भी ना अभी तो 12 हुए हैं, मैं वैसे इनको तंग कर रही थी कि इतना टाइम थोड़ा रह गया, टाइम क्या हुआ है 12 वो देख लें सामने लेकिन सैंडविच को टाइम लगता है ना इसलिए। तो यहाँ पे मेरा गोलू बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुझे मम्मी को जगह तो दिए पता भाई कितना काम करके आई हूँ, अभी तो है था तो वैसे मैं अपने रूम में आ गई तो मैं कह देखती हूँ बच्चे क्या रूम में कर रहे हैं। अनिला तारी का कमेंट आ कि हाँ अभी आप जरूर अलमारी बनाओ, हाँ मैंने बनानी है अलमारी, तो मैंने कहा चलो फिर ना अब कुछ दिन ना ज़रा कामरा का भी सलून दुकान का काम है, मेरा भी सलून का ज़रा मैं जाना शुरू करूँगा, अब देखूँ कि क्या सूट हाल है, ज़रा मैं जाऊँगी तो काम जो करेंगे सही तरीके से देखते हैं इंशाल्लाह। अलमारी बनाऊँगी बहुत प्यारी साथ वाले रूम बनाऊँगी, किचन में भी नीचे अलमारी बनवाऊँगी, सेटिंग खाने वगैरह की कबर की बनाऊँगी सारी अच्छे से ज़बरदस्त करके। मुझे आप ये देखिए जी सोया हुआ, सोया भी बड़ी लाडी करता है, जब मैं सोती हूँ ना तो मेरे सारी बढ़िया जफिया शफिया डालता रहता है। तो जी फ्रेंड अगर मेरी आज की एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हबीबा का भी कमेंट आ रहा है, हबीबा शहजादी पर इतने प्यार इतना करती है कि बस मुझे ना मेरा जो है ना सुबह यान नजर आता है, यान बहुत कम नजर आता है, यान बहुत है ना यान माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है हबीबा गुलो लाइबा, बहुत प्यारे कमेंट्स करती है माशाल्लाह, मेरी जो ऑल फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, हंसता हंसाता और मुस्कुराता रखे, जिसका मैंने नाम नहीं लिया तो उनके लिए भी बहुत सारा प्यार बहुत सारी दुआएं, लव यू हो गया। तो इसी के साथ अपनी एक्टिविटी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह सुबह नए गुड मॉर्निंग के साथ मिलेंगे, ओके फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़ बाय।